पहाड़ की बेटी ने जब सपनों की भरी उड़ान, तब देश का बढ़ गया मान। जयंती थपलियाल, ये ऐसा नाम, इनके संघर्षों से भरे जज्बे की कहानी ऐसी है, सुनेंगे तो यही कहेंगे जिंदगी की जंग तो इसी तरह से जीती जाती है। अमेरिका दिखेगा उत्तराखंड की बेटी का दम, विरोधी जरूर होंगे इस लड़ाई से बेदम। पहाड़ की आबो हवा ही ऐसी है जिससे जिसकी जिंदगी का वास्ता होता है उसका अंदाज भी अपनी जिंदगी को जीने का कुछ ऐसा ही होता है। जयंती थपलियाल, जिनका नाता उत्तराखंड से है, जो उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाली हैं, उन्होंने जब अपने सपनों को उड़ान देने का प्रयास किया तो उनके सामने ढेर सारी दुश्वारियाँ कठिनाइयाँ आईं। जिंदगी ने अलग तरीके से परीक्षा ली और जयंती हर परीक्षा को निर्भीकता से पास करती गईं। वो अपनी ही धुन में रमी पड़ी रहीं ठीक पहाड़ की तरह। पहाड़ ने उनकी जिंदगी को सीख दी, लड़ना सिखाया, संघर्ष के हर सीमाओं से वाकिफ कराया, अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते के जरिए बताया जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी ही है, इस पर ठीक उसी तरह से चलना है जैसे मेरे रास्ते पर चलते हो। जयंती थपलियाल ने ऐसा ही कुछ किया, वो संघर्षों बाधाओं को एक एक कर पार करती चली गई। ऐसा करते करते थपलियाल ने अपनी जिंदगी में एक ऐसे अचीवमेंट को हासिल किया जिससे ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हुआ। बचपन से ही अभावों में जीवन यापन करने वाली जयंती का बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से आयोजित बोस्टन मैराथन की 128वीं दौड़ के लिए चयन हुआ। अब जयंती अप्रैल महीने में आयोजित होने जा रही दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित 128वीं बोस्टन मैराथन में दौड़ लगाती नजर आएंगी। इस मैराथन का आयोजन 15 अप्रैल को हो रहा है। आपको बता दें कि जयंती थपलियाल का जन्म 1978 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। उनके पिता दिल्ली में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। 7 साल की उम्र में वो परिवार के साथ दिल्ली आ गईं। जयंती अपने 3 भाई-बहन में से एक हैं। तीनों ही स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। पिता की सैलरी इतनी नहीं कि वो अच्छे स्टेडियम में प्रैक्टिस करा सकें और कोच की फीस भर पाएं, लिहाजा पैसे के अभाव में जयंती दिल्ली से बाहर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। लेकिन इसके बावजूद जयंती कॉलोनी और स्कूल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही जहाँ से उन्हें जीत मिलती रही और हौसला अफजाई होती रही। जयंती थपलियाल की माने तो उनके भाई ही प्रेरणा स्रोत रहे। जयंती ने 128वीं बोस्टन मैराथन में चयन होने पर खुशी जताई। जयंती थपलियाल ने 12 साल की उम्र में ही त्यागराज स्टेडियम जाना शुरू कर दिया था। साल 1993 में राष्ट्रीय स्कूल खेलों में हिस्सा लिया। साल 1994 में जूनियर नेशनल कैंप में हिस्सा रहीं, जबकि साल 1996 में सीनियर इंटर स्टेट में पीटी उषा, केएम बीनामोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने का मौका मिला। वहीं साल 1999 में स्पोर्ट्स कोटे से जयंती ने डिफेंस सेक्टर ज्वाइन किया। जयंती रक्षा मंत्रालय में कार्य करती हैं, उनके पति भी नौकरी करते हैं, उनका एक बेटा भी है। जयंती थपलियाल 6 बार की ADHM स्वर्ण पदक विजेता हैं। वेदांता हाफ मैराथन में जयंती ने अपनी एज कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं स्थानीय लोगों ने पहाड़ की बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है।